स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट लर्निंग थ्योरी है, सोशल लर्निंग थ्योरी। लास्ट टाइम हम सोशल लर्निंग थ्योरी में वायगोत्स्की ने अपने क्या विचार दिए उस पर बात की है। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है अल्बर्ट बेंड्यूरा के अनुसार। अल्बर्ट बेंड्यूरा एक कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट हुए हैं। उन्होंने इस पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए बताया कि सामाजिक अधिगम भी कह सकते हैं इसको, सोशल लर्निंग भी कह सकते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कह सकते हैं या मॉडलिंग भी कह सकते हैं। उन्होंने सामाजिक अधिगम, क्योंकि मीनिंग ऑफ सोशल लर्निंग क्या है ये हम पिछली वाली जो वीडियोज़ थी जब हमने वायगोत्स्की की बात की थी उसमें अच्छे से इस बात को क्लियर कर लिया था। फिर हमने बात की थी वायगोत्स्की ने अपने उस पर क्या विचार प्रस्तुत किए। आज हम बात करेंगे बेंड्यूरा ने इसके बारे में क्या बात कही। तो अल्बर्ट बेंड्यूरा ने इस बात को कहा कि जब भी व्यक्ति इस समाज में कोई भी वस्तु है उसके प्रति जो क्रिया प्रतिक्रिया करता है वो किसी न किसी कारण से करता है। तो उसमें तीन मेन एस्पेक्ट आके जुड़ जाते हैं और वो तीनों मिलकर ही व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण करते हैं। तो वो तीन एस्पेक्ट कौन से हैं? सबसे पहले है बाहरी वातावरण, दूसरा है संज्ञानात्मक में आंतरिक घटनाएं और तीसरा है व्यवहार। अब इन तीनों के बारे में अगर हम बारीकी से बात करें तो सबसे पहले बात आती है बाहरी वातावरण। वातावरण से मतलब क्या है? हमारे आसपास का समाज। हमारे आसपास बहुत सी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं पर हम हर एक क्रिया प्रतिक्रिया को नहीं जानते, ना ही उनको ऑब्जर्व करते हैं। अब जैसे सिंपल सी बात क्या है कि आपके घर में डिश लगी हुई है, उसके हंड्रेड ऑफ चैनल्स हैं, 100 चैनल हैं, आप कौन सा देखना पसंद करते हो? दैट इज डिपेंडेंट ऑन योर चॉइस। आप सभी को नहीं देखते हो, आप सुनना क्या पसंद करते हो वो भी आपकी चॉइस पे है। उसी तरह से हमारे आसपास समाज में बहुत सी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं, हम उनमें से किसको चाहते हैं, किस एक्टिविटीज़ को पसंद करते हैं वो हमारे पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले इस बात पर निर्भर करते हैं कि बाहरी वातावरण क्या है, हमारे आसपास होने वाली क्रियाएं प्रतिक्रियाएं। दूसरे नंबर पर बात आती है संज्ञानात्मक व आंतरिक घटनाएं। संज्ञानात्मक से मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति के मानसिक संतुलन, मानसिक क्रियाओं का एक पुंज। हमें जिन वस्तुओं के बारे में ज्ञान है, संज्ञान, जिस संज्ञानात्मक वर्ड है, कॉग्निशन वर्ड है, ये संज्ञान से निकला है। और संज्ञान का मतलब होता है किसी वस्तु के बारे में आपको क्या ज्ञान है। अब सिंपल सी बात है कि मेरे को किसी चीज़ के बारे में पता है तो ऑब्वियसली मैं उसकी तरफ ज़रूर अट्रैक्ट होऊंगा, मैं उसके बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करूँगा। साथ में इसके क्या है? आंतरिक क्रियाएँ, हमारी उस परिस्थिति स्थिति जिसके बारे में हमें ज्ञान है, किस तरह की आंतरिक भावनाएं हैं, आंतरिक क्रियाएं हैं। तो ये दोनों मिलने के बाद आता है व्यवहार। अब जब ये पहला और दूसरा पॉइंट कंप्लीट होगा तो हम उसके प्रति कोई ना कोई व्यवहार भी अवश्य करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि समाज में होने वाली जो भी घटनाएँ हैं, क्रियाएँ हैं, प्रतिक्रियाएँ हैं, व्यक्ति उन पर जब भी व्यवहार करेगा तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होता है। या तो उससे, अब एक सिंपल सी और मैं बात आपको क्लियर करता हूँ, कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु के प्रति 3-4 कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही व्यवहार करता है। या तो भाव से करता है, स्वभाव से करता है, प्रभाव से करता है या अभाव से करता है। देयर आर मेन 4 कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिहेवियर टूवर्ड्स एनी थिंग्स। भाव से, भाव से मतलब क्या है कि आपको उसके प्रति कोई ना कोई पॉजिटिव विजन है, एस्पेक्ट है, मन में इमोशंस है। स्वभाव से, कई बार व्यक्तियों की प्रकृति ऐसी होती है वो हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा देखने की कोशिश करते हैं, आपका स्वभाव कैसा है। भाव से, स्वभाव से, अभाव से। अभाव से मतलब क्या है कि आपको उस चीज़ की कमी महसूस हो रही थी। या तीसरा, चौथा क्या है? प्रभाव। प्रभाव क्या है? मतलब वो चीज़ ने आपको इफेक्ट किया है। तो सिंपल सी बात क्या है कि एक व्यक्ति के द्वारा समाज में किसी भी क्रिया प्रतिक्रिया के प्रति होने वाले व्यवहार इन चारों के इर्द गिर्द घूमता है और यही एक व्यक्ति की पर्सनल लाइफ में भी इफेक्ट करता है। एक व्यक्ति, क्लास में कई बच्चे होते हैं, हर कोई किसी का दोस्त नहीं बनता, उसी को दोस्त बनाता है जिससे उसके भाव मिलते हैं, स्वभाव मिलता है, या हमें, हम उससे प्रभावित होते हैं, या हम उससे मतलब कोई ना कोई एक पॉइंट रखते हैं कि हाँ मेरे को ये अच्छा लगता है।
देखने में, बात करने में, पढ़ने में, समझने में, कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो वही बात आती है सोशल लर्निंग के बारे में कि समाज में बहुत सी क्रियाएं होती हैं। अब हमारे किसी क्रिया के प्रति तभी हम क्रिया करेंगे जब हम उससे किसी ना किसी तरह से हमें वो अच्छी लगे। तो जो बंजूरा हैं उन्होंने इसी बात को कहा कि एक व्यक्ति के द्वारा जो भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं की जाती हैं वो इन्हीं तीन एस्पेक्ट्स के आसपास घूमती हैं, या तो बाहरी वातावरण, जैसे कई बार बाहरी वातावरण बहुत ही आकर्षक होता है, हम सहज ही खींचे चले जाते हैं। दूसरा हमारा उनके प्रति ज्ञान होना, नॉलेज होनी, हमारे मन में कुछ आंतरिक क्रियाएं उठना, और तीसरा हमारा उसके प्रति प्रदर्शित किए जाने वाला व्यवहार। तो इन सब बातों को एज ए मॉडलिंग भी दर्शाया है। बंजूरा ने अपने शब्दों में कहा कि मॉडलिंग क्या है, कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया गया व्यवहार जिसको हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद उसको अपने व्यवहार में उतारते हैं, व्यवहार में उतारने के बाद दोबारा से उसको वैसे ही दोहराने की कोशिश करना ही मॉडलिंग है। अब इसके अगर हम एक दो एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल के तौर पर कहा जा सकता है कि क्लास में एक टीचर के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाना। अब टीचर के द्वारा पढ़ाने के बाद कई बार बच्चे टीचर्स की नकल उतारते हैं। क्यों उतारेगा कौन? यहाँ पर यह बात सोचने की है कि कौन उतारता है। वो उतारता है जिसने उनके व्यवहार को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व किया है, फिर उसके पॉइंट को की पॉइंट बना के भी, हाँ वहाँ पर ये एक्टिविटी करते हैं, वहाँ वो एक्टिविटी करते हैं, उसको याद रखा है। तीसरा उसको करने की कोशिश की है, वैसे ही एज इट इज करने की कोशिश की है। तो हम जिस चीज़ से प्रभावित हैं समाज में, उस चीज़ को सीखना ही सामाजिक अधिगम कहा गया। तो बंजूरा ने इसको आगे क्लियर करने के लिए देर आर मेन फोर स्टेप्स लेबोरेट के चार मुख्य जो क्रम हैं या कदम हैं वो बताए हैं। सबसे पहले है कि जब भी हम सामाजिक अधिगम करते हैं तो हम इन चार स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहला है व्यवहार पर ध्यान देना व समझना, व्यवहार पर ध्यान देना व समझना। अब व्यवहार पर ध्यान देने से मतलब क्या है कि हम जिस चीज़ को सीखना चाहते हैं सबसे पहले हम उस पर पूरी तरह से फोकस करते हैं, उस व्यवहार पर ध्यान देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा है व्यवहार को याद करना। अब यहाँ पर व्यवहार को याद करने से क्या मतलब है? देखिए हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी सोशल एक्टिविटी होती हैं जिसको देखा और छोड़ दिया। जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए और एक बुक पढ़ते हुए, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। जब आप बुक पढ़ते हो, आप बुक को पढ़ते हुए उन शब्दों को, उसकी कही गई बात को ध्यान से याद करने की कोशिश करते हो। डिपेंड करता है कि आप बुक पढ़ किस मंतव्य से रहे हो। अखबार पढ़ते हुए क्या होता है? अखबार पढ़ते हुए आप सिर्फ एक सरसरी सी नज़र डालते हो, क्या खबर है, देखी, समझी, छोड़ दी, बात खत्म। आज बुक पढ़ी आपने, आप कल तक उसको याद रखोगे, परसों तक याद रखोगे। अखबार आज पढ़ी है, शाम तक थोड़ी सी याद रखोगे, कल तक जब नई अखबार पढ़ोगे पुराने वाली में से 10% भी नहीं रह जाएगी। तो मतलब हमारे पढ़ने में वही बात, यहाँ पे बात आती है व्यवहार पर ध्यान देना और समझना। जिस चीज़ को हमें सीखना है हम उसको सिर्फ ध्यान ही नहीं देंगे, ध्यान देने के साथ समझेंगे और उसको याद भी रखेंगे। तीसरा है स्मृति को क्रिया में लाना। पहले दोनों पॉइंट कंप्लीट होने के बाद जिस चीज़ को हमने देखा था उस चीज़ को ध्यान से देखा है, अब हमने अपने माइंड में उसको स्टोर भी कर लिया है, अब जब हम उसको करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप उसको प्रेजेंट करेंगे। दैट इज कॉल्ड इन एक्टिवेशन, के क्रिया में लाना। और फोर्थ नंबर पर है व्यवहार के बाद पुनर्बलन। अब जब हमने उस क्रिया को करके देख लिया, अब करने के बाद हमें क्या रेइनफोर्स मिली कि हमने सही किया था या बहुत अच्छा किया है या हम कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। तो जैसा हमें रेनफोर्समेंट मिलेगी हम उस क्रिया को वैसे दोहराएंगे। इसके बहुत से एग्जांपल हैं हमारी लाइफ में, डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम बहुत से ऐसी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करते हैं जो देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद करने की कोशिश करते हैं। और बीएड में तो जो आपकी जब टीचिंग होती है, माइक्रो टीचिंग होती है, सिमुलेशन लेसन होते हैं, क्रिटिकल लेसन प्लान होते हैं, तो वो इसके सबसे अच्छे एग्जांपल हैं। उसमें क्या होता है कि एक टीचर के द्वारा सबसे पहले एक आदर्श
पाठ प्रस्तुत किया जाता है, लेसन प्रेजेंट किया जाता है कि आपने क्वेश्चन कैसे करने हैं, आप बच्चों से किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हो, किस तरह से आपने टीचिंग करनी है, किस तरह से आपने बोर्ड यूज़ करना है, वो सारी एक्टिविटीज़ टीचर के द्वारा स्टेप बाय स्टेप आपके सामने प्रेजेंट की जाती है। आप अगर ध्यान से, आपको भी लगता है कि मुझे भी एक अच्छा टीचर बनना है, मैंने भी इस चीज़ को सीखना है और पहली बार में सीखना है, तो आप वहाँ पर क्या करोगे, हर चीज़ को बड़े ध्यान से देखोगे, समझोगे, उस पॉइंट को अपने स्मृति पटल पे अंकित करोगे। तीसरे पॉइंट पे क्या आता है, आप उस काम को करने की कोशिश करोगे। करने के बाद तीसरे नंबर पे जब आपने उन सारे स्टेप्स को करने की कोशिश की, फोर्थ नंबर पर मिलता है आपको रेनफोर्समेंट टीचर के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा, कि आपने कितना अच्छा किया, आपकी कहाँ कमियाँ थी, कहाँ आपको इन चीज़ों को दूर करना चाहिए। तो हम जो कुछ भी सीखते हैं उसमें सामाजिक अधिगम द्वारा सीखना अपना एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो इन्हीं चारों स्टेप्स के साथ हम कोई भी एक्टिविटी है, सोशल लर्निंग है, उसको सीखते हैं। डांसिंग एक्टिविटी है, प्लेइंग एक्टिविटी है, रनिंग एक्टिविटी है, साइकिलिंग है, रेसलिंग है, कुछ भी है, वो सारी क्या है, हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करके उसको अपने माइंड में फिक्स करते हैं, उसके बाद उसको व्यवहार में उतार कर पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सोशल लर्निंग। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो बेंडुरा ने दो तीन पॉइंटों में इसकी विशेषताओं को क्लियर करते हुए कहा कि सबसे पहले जो इसकी विशेषता है वो निर्देशन विधि द्वारा सीखना है। कहने का मतलब क्या है, सबसे पहला जो निर्देशन विधि की बात कही गई है कि जब हम सीखते हैं तो जिस तरह से हमें निर्देशन दिया गया है, डायरेक्शन दी गई है, हम वैसे ही करें उसको। क्योंकि कई बार ये हो सकता है कि जैसे हम देख रहे हैं शायद हमारे उस चीज़ को सीखने में कमी रह जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करते हैं, एक टीचर बच्चों को साइंस की लैब में लेके जाते हैं, अब उसमें दो केमिकल हैं, उनको मिलाने की बात हो रही है। अगर हाँ आप दूर खड़े हुए सिर्फ देख रहे हो, हाँ भाई मैं भी सीख गया, पर जब आप करने जा रहे हो सकता है एक बहुत बड़ा हादसा हो जाए। तो हमें जब देख रहे हैं तो देखते हुए इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो हमें सिखाने वाला है उसके निर्देशन में रहकर वो क्रिया की जाए। एक व्यक्ति तैरना सीख रहा है, हाँ सामने तैरते हुए व्यक्ति को देखकर उसको लगता है तो बड़ा आसान है, मैं भी कर लूँगा। हाँ उसने देख लिया, समझ लिया, सोच लिया, पानी में उतरने के बाद उससे कुछ एक्टिविटी नहीं हुई तो क्या है, वो उसके लिए हादसे का कारण है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो इसकी विशेषता है कि निर्देशित प्रक्रिया है, निर्देशन में रहकर ही आप इस क्रिया को कर सकते हो। दूसरा है सामाजिक अधिगम, जो सोशल लर्निंग है वो निरीक्षण पर आधारित है, मीन टू से ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, अनुकरण पर आधारित है। अनुकरण का मतलब होता है इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब क्या है, नकल करना। नकल करने से भाव क्या है, एक जैसे सामने वाला करता है आपने उसको उसी तरह से करने की कोशिश करनी है, उस पर आधारित है। पुनर्बलन पर आधारित है। रेनफोर्समेंट से मतलब यहाँ पे है कि जब आप करते हो, करने के बाद सामने वाला आपको किस तरह का रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। अगर सामने वाला कहता है कि बहुत अच्छा है तो आप उस क्रिया को पॉजिटिवली दोबारा से रिपीट करते हो। अगर मान लीजिए कहते हैं कि बिल्कुल बेकार है, आपने तो बिल्कुल जैसी थी उसका भी उसको भी डाउन कर दिया, तो वहाँ पर हमारा उस चीज़ को सीखने के प्रति जो व्यू होता है वो कहीं चेंज हो जाता है। अब डिपेंड करता है हमारी विल पावर कितनी है उस चीज़ को सीखने के बारे में। अगर तो हम उनके कहने से बदल गए हैं तो इसका मतलब हम सिर्फ बाहरी तौर पर प्रभावित थे, आंतरिक तौर पर नहीं। पर अगर हम ये चाहते हैं कि ठीक है एक बार मेरे से गलती हो गई है, दोबारा मैं गलती नहीं करूँगा और अच्छे से सीखने की कोशिश करूँगा, ऑब्वियसली मैं उस काम को शुरू में 10%, फिर 20-30-40%, एक दिन मैं उस काम को बहुत अच्छे से कर सकूंगा। तो ये डिपेंड करता है हमारे सीखने की इच्छा पर। नेक्स्ट है अनुकरण। ये अनुकरणात्मक सीखने पर बल देता है। मतलब कहने का क्या है कि बच्चे के द्वारा सामने वाले के व्यवहार की नकल करना, पर नकल अकल से ही पॉसिबल है। लास्ट में सुनिश्चित करना कि आदर्श क्या है। हम जब सामाजिक अधिगम की बात करते हैं, सामाजिक अधिगम में हमने बात कर ली एज ए मॉडलिंग भी है, पर इस बात का निर्धारण करना आवश्यक है कि जिस चीज़ को हम आदर्श मानने जा रहे हैं, जिस चीज़ को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वो वास्तव में आदर्श है भी कि नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति जैसा है वो वैसा ही अपना आदर्श का चुनाव करता है। एक व्यक्ति जो पुलिस बनना चाहता है
उसके लिए पुलिस वाले उसके आदर्श होंगे। एक जो चोर है, चोर बनना चाहता है, उसके लिए पुलिस आदर्श नहीं हो सकती, उसके लिए वैसा उसका आदर्श भी वैसा ही होगा। तो व्यक्ति के लिए ये सुनिश्चित करना कि आदर्श किसको मानना है और वो आदर्श क्या वाकई में सही भी है डिपेंड करता है। लास्ट में हम बात करते हैं इसकी शैक्षिक उपलब्धि क्या है या उपयोगिता क्या है। अकॉर्डिंग टू बैंड्यूरा इन्होंने इस बात को क्लियर करते हुए कहा कि एक अध्यापक के लिए इसका क्या महत्व है। सबसे पहले उन्होंने बात की अध्यापक एक आदर्श रूप में होना चाहिए, टीचर एज ए मॉडल होना चाहिए। अब इस बात को हम जानते हैं कि सामाजिक अधिगम क्या है, सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार को ऑब्जर्व करके अपने व्यवहार में शामिल करना। तो एक अध्यापक को अपनी कक्षा में अगर सामाजिक अधिगम की बात करते हैं तो खुद एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए ताकि बच्चे शिक्षक की उन आदतों को, जो अच्छी आदतें हैं, उनको ध्यान से देख पाएँ और अपने व्यवहार में उतारने की कोशिश करें। दूसरा है रोल प्लेइंग, भूमिका निर्वहन। टीचर क्लास में बच्चों को अलग अलग तरह की भूमिकाएं देकर, भूमिका निर्वहन करवाकर बच्चों को इस तरह के सामाजिक अनुभव प्रदान किए जा सकते हैं जिससे बच्चे सीखने के साथ साथ उस चीज़ को अनुभव भी कर सकते हैं। क्लास में बहुत सी ऐसी एक्टिविटी होती हैं जिसमें टीचर बच्चों को अलग अलग तरह के रोल दे सकते हैं। जब बच्चे उस रोल को करते हैं तो उस वास्तविक स्थिति को जानते हैं, वास्तविक स्थिति को महसूस कर पाते हैं। वहाँ पर जो उन्होंने सीखा है, बजाय क्लास में एक सिंपल पाठ के द्वारा समझाने से, वो काफ़ी इफेक्टिव रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं ध्यान व प्रतिध्यान का महत्व, अटेंशन एंड रिटेंशन। अटेंशन क्या है, किसी चीज़ पर ध्यान देना, और प्रतिध्यान क्या है कि जब हम उस काम को करते हुए बहुत अच्छे से उस चीज़ के बीच के एस्पेक्ट को भी ध्यान देते हैं। एक होता है सिर्फ सरसरी नज़र से ठीक है देख लिया, ध्यान दिया। एक होता है कि हम उन चीज़ों के जो छोटे छोटे पक्ष हैं उन पर भी बारीकी से ध्यान देते हैं, तभी हम उस काम को पूर्ण कर पाते हैं। किसी व्यक्ति को देखकर ये कहना कि हाँ इसने जो मूर्ति बनाई है या कोई पिक्चर बनाई है बहुत ईजिली बना ली है, मैं भी इसको देख के बना पाऊँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो, पर ऑब्जर्व करने के बाद जब आप उसको अपने व्यवहार में उतारने की कोशिश करोगे तो इसके लिए आपको हर चीज़ को बारीकी से सीखना होगा। मोटिवेशन, मोटिवेशन का अपना एक विशेष महत्व है। जब भी हम कोई काम करते हैं उसमें अभिप्रेरणा हमेशा एक इस तरह से काम करती है कि वो आपको सीखने में आगे की तरफ बढ़ाती है। वो डिपेंड करता है कि हम जिस आदर्श को लेके चल रहे हैं वो उसको सिखाने वाला जो निर्देशन दिया गया है वो किस तरह का है। लास्ट में है आत्मविश्वास की भावना व अभिभावकों की भूमिका। तो आत्मविश्वास से मतलब क्या है कि जिस चीज़ को आप सीखना चाह रहे हो आप कितना सीखने के लिए तैयार हो, आप में इंटरनली विल पावर कितनी है उस चीज़ को सीखने के बारे में। और लास्ट में है अभिभावकों की भूमिका। टीचर भी बच्चों के एक तरह से अभिभावक की ही भूमिका अदा करते हैं, पर जैसे टीचर क्लास में एक रोल प्ले करते हैं उसी तरह से घर में माता पिता को भी यही चाहिए कि बच्चों के सामने एक आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करें जिससे बच्चे उसी, क्योंकि बच्चे घर में भी रहते हैं वही देखते हैं, जो देखते हैं वही समझते हैं और जो समझते हैं वही अपने व्यवहार में करने की कोशिश करते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल, कुछ जैसे कईयों के फादर स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो वहाँ पर वो ये सोच लेते हैं कि ठीक है ये बच्चा इस चीज़ को ध्यान नहीं दे पाएगा, या इनसे छिप के आपने कोई काम कर लिया, तो आप जो कर रहे हो बच्चों की नज़र से बच नहीं पाओगे, आपके पीछे से वो भी वो करें ना, बट हाँ उस तरह की एक्टिंग जरूर करते हैं। तो वो जो एक्टिंग है जो आज सिर्फ खाली एक नकली व्यवहार में वो अपने व्यवहार में प्रदर्शित कर रहे हैं, धीरे धीरे वो उनके असल व्यवहार का भी एक अंग बन जाती है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि अगर टीचर एक रोल मॉडल की तरह अपनी अच्छी इमेज प्रेजेंट कर सकता है तो पेरेंट्स की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने बच्चों के सामने एक अच्छा रोल मॉडल बने ताकि वो बच्चे अच्छे से उस चीज़ को सीख पाएँ। जैसा व्यवहार वो घर में सीखेंगे वैसे ही संस्कार बच्चे स्कूलों में आके दिखाएंगे। तो बैंड्यूरा के द्वारा दिया गया सामाजिक अधिगम, आई थिंक यहाँ तक आपको सभी को क्लियर हो गया होगा। आज का यहीं तक, आपकी सेकंड यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट टाइम से हम थर्ड यूनिट के फर्स्ट कंसेप्ट से दोबारा से शुरू करेंगे। थैंक यू।